गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूं आप सबका। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर टू। क्या करने वाले हैं? चैप्टर नंबर टू, और उसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्या करेंगे हम स्टार्ट आज? चैप्टर नंबर सेकेंड, नाम है सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं इसे विलयन। ठीक है बेटा, वैसे तो 11th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। अब देखो, इसका रासायनिक संगठन कुछ सीमा तक क्या हो सकता है? परिवर्तित हो सकता है। विलयन को हम एकल प्रवस्था भी बोलते हैं। विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो विलेय और एक विलायक। जो अवयव अधिक मात्रा में होगा वो विलायक कहलाएगा, जो अवयव कम मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। जैसे मैं बताऊं तुम्हें, किसे कहते हैं विलयन? दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, क्या होती है? एकल प्रवस्था होती है ना, इसे क्या बोल सकते हैं? एकल प्रवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये अगली चीज क्या है हमारे पास? विलय व विलायक। विलय क्या होता है? जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित वो क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। विलायक, जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, नमक का जलीय विलयन। ठीक है बेटा, नमक, अब तुम्हें पता है जब नमक का जलीय विलयन बना दो, ऐसा तो नहीं करते ना कि इतना सारा नमक ले लिया और थोड़े से पानी में डाल दोगे। पानी ज्यादा होगा और नमक क्या होगा? कम मात्रा में होगा। जैसे एक चम्मच नमक को आपने एक गिलास पानी में घोल दिया। ठीक है, तो यहां पर नमक क्या है? कम मात्रा में है। कम मात्रा में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। और ये क्या है? जल, विलायक, यानी जो क्या है? अधिक मात्रा में है, ये क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास विलयन। किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है, एकल प्रवस्था कह सकते हैं। इसका रासायनिक संगठन कुछ सीमा तक परिवर्तित हो सकता है, और उसके अलावा विलय व विलायक होते हैं इसके अंदर, यानी जो कम मात्रा में उसे हम बोलेंगे विलय, और जो अधिक मात्रा में उसे हम क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। अब देखो, विलायक के प्रकार के बारे में बात करेंगे। विलायक मतलब विलयन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। विलायक के आधार पर विलयन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है मैं बताता हूं आपको। ये विलयन के प्रकार विलायक के आधार पर इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? तीन भागों में। एक होगा गैसीय विलयन, एक होगा द्रव विलयन, और एक होगा ठोस विलयन। अब देखो, जो विलयन जिस नाम पर है उसी में विलायक वही होगा। यानी अभी हमने बोला गैसीय विलयन, तो इसमें विलायक क्या होगी? गैस होगी। द्रव विलयन, तो विलायक क्या होगा? द्रव होगा। हमने बोल दिया क्या? ठोस विलयन, तो विलायक क्या होगा? ठोस होगा। समझ गए बात को? तो मैं पहले, ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। किसके बेस पर लिखा बेटा अपन ने? विलायक के आधार पर होते हैं तीन प्रकार के। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, या फिर चलो तुम चाहो तीनों को नाम लिख देता हूं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक गैसीय विलयन, नंबर दो द्रव विलयन, नंबर थर्ड ठोस विलयन। अब बात करते हैं नंबर एक की, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन,
अब बेटा गैसीय विलयन जिसमें विलायक गैस हो, अर्थात जब हम किसी ठोस द्रव या गैस को किसी गैस के अंदर मिश्रित करते हैं या घोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैसीय विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैसीय विलयन। ठीक, क्या होगा, ऐसे विलयन जिनमें विलायक क्या हो भाई, गैस हो, वो क्या कहलाते हैं, गैसीय विलयन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये कि विलायक गैस है लेकिन विलय कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ले लेते हैं ये साहब विलायक क्या मानेंगे, फिर हम बात करेंगे विलय क्या होगा, फिर हम बात करेंगे इसके उदाहरण क्या होंगे, डेट मीन्स एग्जाम्पल्स क्या होंगे। हमें पता है विलायक तो क्या होने वाला, गैस। तो अगर विलायक गैस है और विलय भी गैस है, दोनों गैस हो गया, ठीक है, तो गैसीय विलयन होगा क्योंकि विलायक गैस है। अब देखो यानी हम कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, हमें क्या करना है, चलो पहले लिख देता हूँ तीनों, ये दूसरा गैस, तीसरा भी गैस, यानी गैसीय विलयन में तो किसी भी परिस्थिति में तीनों क्या होंगे भाई, गैस होंगे, होंगे गैस। और अगर विलय गैस है तो गैस का गैस में मिश्रण, तो एग्जाम्पल दो गैसों का मिश्रण, दो गैसों का मिश्रण लिख सकते हो ना आप, दो गैसों का मिश्रण आप लिख सकते हो, वायु, ये लो वायु भी तो यही है, ठीक है। अगर मान लो विलायक गैस और विलय क्या हो, द्रव हो, यानी विलायक तो अभी भी गैस और विलय क्या है, द्रव, तो क्या होगा ये, एग्जाम्पल वायु में जल वाष्प, वायु में जल वाष्प, अगला लिख सकते हो द्रव का वाष्पीकरण, द्रव का वाष्पीकरण लिख दिया बेटा, हो गया ना। अब देखो एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो आप इसका, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, क्या लिख सकते हो, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, इधर लिख देता हूं, हो गया ना, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब देखो ठोस को गैस में मिलाओ, ठोस को गैस में मिलाओ, तो जब ठोस को मतलब विलायक तो क्या हो, गैस, और विलय क्या हो, ठोस, तो इस कंडीशन में क्या एग्जांपल हो सकता है, ठोसों का ऊर्ध्वपातन, ठोसों का ऊर्ध्वपातन, ठोसों का ऊर्ध्वपातन में आप एग्जांपल लिख सकते हो आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, ठीक है बेटा, हो गया ना, समझ गया ना। विलायक तो देखो तीनों में गैस है, विलय क्या करते हैं अपने, एक बार गैस ले लिया, एक बार द्रव ले लिया, एक बार क्या ले लिया, ठोस ले लिया, तो गैस को गैस में घोलो, एग्जाम्पल दो गैसों का मिश्रण, ठीक है, या फिर वायु, द्रव को जब गैस में डालोगे तो वायु में जल वाष्प, द्रव का वाष्पीकरण, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म को किसमें घोलना है, नाइट्रोजन में घोलना है। अगला जब ठोस को गैस में घोलो तो ठोसों का ऊर्ध्वपातन, ठीक है, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, इन सब को क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, और कपूर का नाइट्रोजन विलयन, ये सब क्या इसके एग्जांपल हम अगला लिखने वाले हैं, द्रव विलयन, कौन सा लिखने वाले हैं, द्रव विलयन, नेक्स्ट नंबर दो, द्रव विलयन किसे कहते हैं, द्रव विलयन जब हम क्या करते हैं, विलायक के रूप में कह लेते हैं द्रव, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिनमें विलायक द्रव हो। कहने का क्या मतलब आ रहा है कि विलायक तो क्या ले लो, द्रव, और विलय के रूप में क्या हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है, यानी ठोस को द्रव में घोलो, द्रव को द्रव में घोलो, या गैस को द्रव में घोलो, बात क्या है, बराबर है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, द्रव विलयन बोलेंगे। वापस से वही एग्जांपल लेने वाले, विलायक ये हमारा विलय और ये हमारा एग्जांपल। विलायक तो तुम्हें पता है कंडीशन नंबर एक दो
और ये तीन विलायक, तो सभी कंडीशन में क्या होने वाला है, द्रव। और विलेय क्या ले लो, गैस, ये क्या ले लो द्रव, और ये क्या ले लो ठोस ले लो। ठीक है बेटा, चलो एग्जाम्पल, जब गैस को द्रव में घोलोगे, एग्जाम्पल सोडा वाटर, सोडा वाटर अमोनीकृत जल, अमोनीकृत जल। देखो सोडा वाटर, आपने कभी सोडा वाटर पिया हो, या फिर आपने कभी जैसे सोडा पिया हो, तो जब आप दुकान पे जाओगे ना, तो सोडा बनाता है, तो सोडा बनाता है तब करता क्या है कि पहले तो वो पानी लेगा, पानी के अंदर जो भी आप जिस भी फ्लेवर का उससे बनवाओगे, तो ऑरेंज फ्लेवर बनाया या कोक फ्लेवर बनाया आपने, या फिर नींबू फ्लेवर, लेमन फ्लेवर जो आपने बनाया, वो फ्लेवर डालेगा। ठीक है, और फ्लेवर डालने के बाद उसमें जो भी उसको मीठा करना हो डाला, उसके बाद उसको क्या करेगा, एक मशीन के अंदर लगाता है वो। ठीक है, उससे उसमें क्या होती है, गैस भरी जाती है। ठीक है, कौन सी गैस बढ़ते हैं वो, CO2। कौन सी बढ़ते हैं, CO2। ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये गैस द्रव के अंदर बढ़ते हैं, या फिर आपने देखा होगा कभी कभी आपने क्या करा, पेप्सी या कोक या थम्सअप लो, है ना, उसको जोर से हिलाओ और फिर उसका ढक्कन खोलो, तो एकदम से बाहर निकलती है ना, वो CO2 की वजह से निकलती है बाहर। या फिर आप जब भी ढक्कन खोलोगे तो कुछ गैस बाहर निकलती है ना, कौन सी होती है, CO2 होती है। ठीक है, तो ये सोडा वाटर अमोनीकृत जल एग्जाम्पल का, द्रव का द्रव एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दो मिश्रणीय द्रवों का, दो मिश्रणीय द्रव। ठीक है, या दो पूर्णतः मिश्रणीय द्रव, एग्जाम्पल इसका जैसे जल व एल्कोहल, यानी जल प्लस एल्कोहल लिख लो। ठीक है, दोनों द्रव है ना, द्रव का द्रव में। अब इसको भी लायक लो या इसको भी लायक लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां तो दोनों द्रव है। ठीक है, यानी पानी में आप क्या करो, एल्कोहल मिलाओ या एल्कोहल में क्या मिलाओ, पानी मिलाओ, बात बराबर है। अब बात करनी है ठोस द्रव, आप क्या करना है, ठोस को द्रव में घोलो। देखो ठोस को द्रव में घोलने का एग्जांपल, जैसे आपने क्या किया, नमक, नमक ठोस होता है ना, पानी में घोल दो तो क्या हो गया, नमक का जली विलयन। शक्कर, शक्कर को किसमें घोल दो, पानी में घोल दो, शक्कर का जली विलयन हो गया ना, तो ये क्या हो गया, नमक का जलीय विलयन। या फिर आप लिख सकते हो पानी में लवण, पानी में लवण ये शर्करा का जलीय विलयन, शर्करा का जलीय विलयन। सभी क्या है बेटा, इसी के एग्जाम्पल है, ठोस को द्रव में घोल रहे हैं ना। ठीक है ना, समझ के बात को, तो ये हो गया। अब हमारे पास बचा है लास्ट, वो है ठोस विलयन। कौन सा विलयन बचा हुआ है, ठोस विलयन। नंबर थर्ड ठोस विलयन, देखें ठोस विलयन में क्या होता है, जिनमें विलायक क्या होता है, विलायक ठोस होता है, अर्थात जिनमें ठोस द्रव या गैस ठोस के अंदर अनियमित रूप से वितरित रहते हैं, वो क्या कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है। अर्थात ऐसे विलयन जिनमें ठोस द्रव या गैस, ठोस द्रव या गैस किसी ठोस में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, ठोस विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें, वही मैंने बताया था, विलायक आप एक साइड क्या लिखोगे, विलायक, इधर क्या लिखोगे, विलय, और लास्ट में क्या लिखने वाले हम इसके, एग्जाम्पल। ठीक है, विलायक तो तुम्हें पता है वही ठोस, सभी कंडीशन में विलायक तो तुम्हें क्या लेना है, ठोस, क्योंकि ठोस विलयन बनाना है। नंबर थर्ड ठोस, विलय क्या हो सकता है, गैस, द्रव, और ये क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल की बात करें, गैस का ठोस, तो ये गैसों का अधिशोषण,
क्या होगा, ठोस द्वारा गैसों का अधिशोषण, धातु द्वारा गैसों का अधिशोषण, क्या लिख सकते हो, ठोसों द्वारा गैसों का अधिशोषण, अधिशोषण ठीक है, यानी धातु की सतह पर गैसों क्या होगा, अधिशोषण होगा। एग्जाम्पल इसका और लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल इसका पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण, यानी धातु क्या करती है, गैसों को अधिशोषण कर लेती है, तो ये इसके एग्जाम्पल है पैलेडियम द्वारा धातु का अधिशोषण। अगर द्रव को ठोस में मिलाओ, अगर क्या करो, द्रव को ठोस में मिलाओ तो क्या होगा, एग्जाम्पल कॉपर में पारा, जिंक में पारा, हो गया बेटा, द्रव को ठोस में घोलना है, ठीक है, कॉपर में पारा, यानी पारा जो होगा आपको पता है पारा वो कहीं में द्रव अवस्था में, तो कॉपर में घोलना है, जिंक में पारा यानी पारा किस में घोलना है, जिंक में घोलना है, या फिर आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये पारे व सोडियम का अमलगम, यानी पारे को किसमें घोल रहे हैं, सोडियम के अंदर घोल रहे हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठोस को ठोस में घोलो, तो फिर एग्जाम्पल मिश्र धातु, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसका, मिश्र धातु होगा, जैसे ये सोने और कॉपर को आपने क्या कर दिया, मिला दिया, ये जिंक और ये कॉपर को आपने क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए इसके बेटा, तो विलयन हो गया हमारा, ठीक है, तो या दूसरे पदार्थों में समांग मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं, जो कम मात्रा में भी होगा उसे क्या बोलेंगे, विलय, जो अधिक मात्रा में उसे बोलेंगे विलायक। विलायक के आधार पर हमने क्या करा, विलयन को तीन भागों में बांट दिया, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैस विलयन जिनमें विलायक क्या होगी, गैस, द्रव विलयन जिनमें विलायक क्या होगा, द्रव, और ठोस विलयन जिनमें विलायक क्या होगा, ठोस। अब हम पढ़ेंगे सांद्रता इकाइयों के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, सांद्रता इकाइयों के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं अपन सांद्रता, सॉरी नंबर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सांद्रता, देखो सांद्रता डिपेंड करती है, हमेशा ध्यान रखना, विलय के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करती है, विलय के ऊपर, यानी विलय की मात्रा जो होती है वही सांद्रता होती है, यानी विलय की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है, समझ गए बात को, के विलायक की निश्चित मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं, यानी विलायक की निश्चित मात्रा में उसे विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन के हम क्या बोलते हैं, सांद्रता। सांद्रता किसकी याद करते हैं, उसे विलयन की याद करते हैं, और विलेय की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अब इसको निम्न पदों में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, देखो मैं पहले तीनों के नाम लिख देता हूं। नंबर एक, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, देखो द्रव्यमान दे रखा है ना, ओनली द्रव्यमान दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा होगी उसको भी ग्राम में व्यक्त करना है, मतलब उसको भी ये बोल सकते हैं भार मात्रक, यानी विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको भी भार मात्रक में व्यक्त करना है, और विलायक को भी किसमें करना है, भार मात्रक में व्यक्त करना है, ठीक है। इसको देखो, ये हमने लिख दिया, ये चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा, ये हमने इसको लिख दिया ऐसे और इसको लिख दिया ऐसे, यानी ये तो विलय की मात्रा और ये विलायक की मात्रा, इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता को, ठीक है ना बेटा, ये विलय की ग्राम में मात्रा
और ये विलयन की ग्राम में मात्रा, ठीक है ना बेटा। किसकी? विलयन और विलय दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। विलयन, ये विलय है और ये क्या है? विलयन है, ठीक है, विलयन की मात्रा है। चलो अभी देखेंगे नंबर दो, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, ठीक है, आयतन दिया हुआ है यानी आयतन मात्रक में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है? आयतन मात्रक में, यानी दोनों को किसमें व्यक्त करो? आयतन वाली स्थिति में। देखो ये विलय और ये विलयन, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर थर्ड, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। देखो द्रव्यमान ये आयतन, द्रव्यमान बोले तो ये विलय को व्यक्त करना है अपन को किसमें? द्रव्यमान दे रखा है तो भार मात्रक में। आयतन ये क्या है? विलयन। किसमें व्यक्त करना है? आयतन मात्रक में व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखो इसको द्रव्यमान आप चाहो तो छोटा लिखो, आप चाहो तो बड़ा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है, यहाँ पर दोनों सिमिलर थे, एक को छोटा एक को बड़ा लिख रखा है। यहाँ पर आप चाहो तो दोनों को बड़ा लिख सकते हो, एक को बड़ा एक को छोटा लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, दोनों को छोटे लिख सकते हो। समझिए ना बात को, इन सब में हमें व्यक्त करना है। अब हम एक एक करके पकड़ के इनको क्या करने वाले, लिखने वाले, सोल्व करने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर एक से, इन दोनों को नीचे वालों को मिटा देता हूँ। देखें नंबर एक, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा? द्रव्यमान प्रतिशतता को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब देखो कहते किसे द्रव्यमान प्रतिशतता, विलय को भी किसमें लेना है? भार मात्रक में, और विलायक को भी किसमें लेना है? भार मात्रक में, यानी विलयन भी किसमें हो गया? भार मात्रक में। तो हम क्या डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी? विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होती है वह क्या कहलाती है? हमारी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। देखो किसे कहेंगे? विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में, याद रखना विलयन बोल रहा हूं, विलायक नहीं बोल रहा हूं, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होती है क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। समझ गए भाई? चलो फॉर्मूला लिखना हो तो ये हमको क्या लिखना है? द्रव्यमान आयतन प्रति, द्रव्यमान प्रतिशतता लिखना है ना। तो ये लो साहब, द्रव्यमान प्रतिशतता इजिकल टू क्या बोला? विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ये विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा, विलयन की ग्राम में मात्रा। अब देखो प्रतिशतता है इसलिए क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अब देखो विलयन की ग्राम में मात्रा को चेंज कर सकते हैं हम, कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो ये विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन ये विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा प्लस विलयन की प्लस विलायक, विलायक की ग्राम में मात्रा मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया ना। विलयन को तोड़ दिया हमने, विलय और विलायक में दोनों में तोड़ दिया, ठीक है। तो देखो यदि विलायक ए व विलय बी हो, तो हमने मान लिया विलायक हमारे पास क्या था? ए है
और विलेय क्या है हमारे पास बी। तो इस सूत्र को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, फॉर्मूले को देखेंगे कैसे लिखेंगे। विलेय की ग्राम्य मात्रा, विलेय की ग्राम्य मात्रा को हम क्या लिखते हैं, विलेय क्या है बी, तो ग्राम्य मात्रा रिप्रेजेंट करनी है तो ये डब्ल्यू बी होगी, विलेय की ग्राम्य मात्रा। फिर वापस विलेय की ग्राम्य मात्रा डब्ल्यू बी प्लस विलेय की ग्राम्य मात्रा ए है, तो डब्ल्यू ए इंटू 100। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे और इसके आधार पर न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे, समझ के बात को, ठीक है ना। डब्ल्यू बी क्या है, ये डब्ल्यू बी ये है, डब्ल्यू ए क्या है, ये है डब्ल्यू ए, समझ के बात को, समझ गए ना, ये इसका फॉर्मूला है। चलो इस पर सवाल करेंगे, पहले इसको मिटा देता हूं मैं, फिर इस पर क्या करने वाले अपन सवाल करने वाले हैं। देखो बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बुक का एग्जाम्पल नंबर क्या है, फर्स्ट है, यानी हमारे जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फ्रंट पेज पे दे रखा है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml विलयन बनाया गया, बनाया गया, ठीक है। आगे दिया उसने, इसका घनत्व, इसका घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड की द्रव्यमान प्रतिशतता, ऑक्जेलिक एसिड की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। चलो ज्ञात करते हैं, बिहार मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये स्मॉल w अपॉन कैपिटल w परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, wb अपॉन wb प्लस wa इंटू 100, ठीक है। ये क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, WB क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, ये लिख देंगे नीचे, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा WB बराबर कितना दे रखा है अपन को, 11 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है 11 ग्राम। अब देखो ये नीचे क्या है, विलयन की ग्राम में मात्रा है WB प्लस WA, लेकिन हमें तो विलियन का दे रखा है, ml में दे रखा है, डायरेक्ट विलियन दे रखा है, तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं, ओनली w लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओनली w, यानी विलियन का आयतन लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट नीचे लिखा था ना अपन ने, ठीक है। तो अब देखो ये विलियन की ग्राम में मात्रा पता ही नहीं हमें, तो कितनी ग्राम में मात्रा, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है 500 ml विलियन दिया गया, ये गिवन क्या दे रखा है 500 ml विलियन, और घनत्व दे रखा है 1.1 ग्राम प्रति ml, ये दिया हुआ है। अब हमें तो क्या करना है, निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो हमें पता है वी नो डेट, हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, ये घनत्व, घनत्व बराबर कितना होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा आयतन इंटू घनत्व हो गया, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो गया भाई, आयतन कितना दे रखा 500, घनत्व कितना रखा 1.1, यानी कितना हो गया टोटल, ये 500 ml दे रखा था ना, इसको उधर लिख देता हूं, 500 ml इंटू 1.1 ग्राम प्रति ये ml, ठीक है भाई, ग्राम प्रति ml इनवर्स में था ना, खत्म, यानी कितना बचा 5, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 500 को 1.1 से 550 ग्राम, समझ गए बात को, क्या आ गया 550 ग्राम आ गया, इसको इससे गुणा किया तो अपन ने निकाल लिया इसका मात्रा। अब चलो रख देते हैं फॉर्मूले में मान, तो कितना हो जाएगा WB बराबर कितना है हमारे पास 11 ग्राम इंटू कितना है ये 550 हो गया,
बिलियन का द्रव्यमान 550 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया ना। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले तो ये खत्म, ये कितनी बार कट गया, 5 बार, कितनी बार कट गया, 5 बार, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई, ऊपर हो गया ना 10/5, बोले तो 2%, क्या आंसर आया बेटा इसका, 2%, समझ के बात को। तो ये इसका क्या था, न्यूमेरिकल नंबर 1 था। चलो अब हम अगला करेंगे, नेक्स्ट थी हमारे पास आयतन प्रतिशतता नंबर 2, आयतन प्रतिशतता, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी से, ठीक है बेटा, किसे बोलेंगे, विलेय पदार्थ की एमएल में, देखो आयतन दे रखा है, विलयन को भी किसमें लेना है, आयतन मात्रक में, विलेय को भी किसमें लेना है, आयतन मात्रक में, तो विलेय पदार्थ की एमएल में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है, हमारी आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है बेटा। क्या हो गया, ये विलेय की एमएल में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में, फिर याद रखना विलयन लिख रहा हूं, 100 ml विलयन में उपस्थित होती है आयतन प्रतिशतता कहलाती है। चलो आयतन प्रतिशतता क्या हो गया भाई, विलेय की मात्रा काई में, एमएल में, नीचे विलयन की मात्रा काई में, एमएल में, आप ऊपर यूं लिख सकते हो विलेय का आयतन एमएल में, जे लिख सकते हो विलयन का आयतन एमएल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, प्रतिशतता वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो विलेय की ये एमएल में मात्रा, तो हम क्या लिखते हैं इसको, वी बी लिख देना, वही विलायक ए और विलेय क्या हो, बी, तो क्या हो गया, विलेय की एमएल में मात्रा बी बी मान लेपन, नीचे ये विलेय की एमएल में मात्रा क्या हो गया, वापस से वी बी प्लस ये विलायक की एमएल में मात्रा, विलायक की एमएल में मात्रा क्या हो जाएगा भाई, वी ए, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, समझ गए ना, यानी शॉर्ट करो इसको तो क्या हो जाएगा, वी बी अपॉन वी बी प्लस वी ए मल्टीप्लाई बाई 100, ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। चलो सवाल करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल नंबर 2, बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा, क्या है बुक का एग्जाम्पल नंबर 2, ये 25 ml एथेनॉल को जल में घोलकर, 25 ml एथेनॉल को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, समझ गए बात को, 25 ml एथेनॉल को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट, ये हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, वी बी अपॉन वी बी प्लस वी ए मल्टीप्लाई बाई 100, इसको तुम वी बी लिख सकते हो ओनली,
टोटल विलयन का इतना है ना, इसे टुकड़ों में लिखो। तो ऐसे अब देखो गिवन क्या दे रखा है हमारे पास, वी बी आयतन 25 ml, ये वी बी बराबर 25 ml, और ये वी बी प्लस वी ए बराबर क्या दे रखा है हमारे को 100 ml। कितना दे रखा है 100 ml, यानी विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दोनों को मिला लो दिया हो जाएगा ना, विलयन का आयतन इसका मतलब क्या है 25 ml, तो क्या है हमारे पास एथेनॉल 75 ml, क्या है हमारे पास जल है, हो गया भाई 100 ml। चलो आगे अब बात करते हैं हम आगे फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, फॉर्मूले में रखोगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये V इज इक्वल टू 25/100 × 100, कितना हो जाएगा आंसर, कितना आया 25, यानी 25% क्या है इसका आंसर है, ठीक है बेटा, यानी एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता कितनी है 25% है, ठीक है। चलो अब हमारे पास आखिरी वाला बचा हुआ है जो हमें लिखना है, वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। चले थर्ड वाला द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है बेटा। देखो द्रव्यमान आयतन ये क्या है हमारा विलय, ये क्या है हमारा विलयन, यानी विलय को किसमें लेना है भार मात्रक में, विलयन को किसमें लेना है आयतन मात्रक में, ये तो भार मात्रक और ये आयतन मात्रक, यानी क्या होगा विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित है वो क्या कहलाएगी, उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। क्या होगा विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित होती है, 100 ml विलयन में उपस्थित होती है, ठीक है, क्या कहलाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं ये ग्राम या आयतन या प्रतिशत, समझ के बात को लिखें। देखो इसमें दोनों कैपिटल लिखो, दोनों को स्मॉल लिखो, एक स्मॉल एक को कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भार मात्रा के आयतन मात्रा के, क्या हो जाएगा भाई विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन काय में ml में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और आगे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा विलय की ग्राम में मात्रा wb अपॉन विलयन का आयतन, ओनली v लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ये लो ये हमारा फॉर्मूला तैयार। अब हमें क्या करना है न्यूमेरिकल लिखना है इसके बारे में, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बीस ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट, हमने क्या बोला था
W अपॉन वी परसेंटेज इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, हमें दिया गया है गिवन ऑलरेडी डब्ल्यू बी बराबर कितना दे रहेगा भाई 20 ग्राम। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है हमारे पास ये एंड क्या दिया हुआ है बी बराबर 500 ml। फॉर्मूले में रख दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 20 अपॉन ये 500 × 100, क्या हो जाएगा भाई आंसर 4%। कितना आया भाई 4%, समझ गए बात को। चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं, 2% NaCl, 2% ऐसे नहीं लिखेंगे 2%, ये हमारा ये 2WV%, यानी क्या हो गया हमारे पास 2% द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता वाला। ठीक है, शायद NaCl के 500 ml, 2% NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमें पता है W अपॉन V परसेंटेज इज इक्वल टू क्या था हमारे पास WB अपॉन V इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे रखा है ये देखो आप, तो सबसे पहले तो यही दे रखा है 2% दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है ना ये 2% ये वाला है। ठीक है बेटा, ये हमें क्या हुआ है दिया हुआ है। अब देखो आप 2% ये दे दिया, उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है V कितना दिया है 500 ml, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है WB, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हमें इसकी जगह क्या रखना है, देखो रख देते हैं इसका, ये तो दिया हुआ है हमारे 2%, कितना दिया हुआ है 2%। ठीक है, तो ये 2% इज इक्वल टू, 2% को तो हटा देते हैं, 2 इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है WB हमें फाइंड करना है, और हमें दिया हुआ है 500। ठीक है, कितना दिया हुआ है हमारे को 500 दिया हुआ है ये इंटू 100। ठीक है बेटा, तो ये देखें कट गया, तो WB बराबर कितना हो गया 10 ग्राम, कितना हो गया बेटा 10 ग्राम, समझ गए, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।